कोल्ड ड्रिंक पियो। हाँ, और कुछ ऑर्डर नहीं किया? क्या ऑर्डर करना है, क्या खाना है तुमको? खाना तो कुछ भी नहीं है, मुझे ना चिल्ली पटेटो खाने का बहुत मन हो रहा है। तुम्हें पता है लास्ट टाइम कब खाए थे? जब हमने ठेले पे खाए थे। हाँ, आज मुझे अच्छा उस ठेले पे, पर यहाँ पे ना उससे भी अच्छे चिल्ली पटेटो मिलेंगे। तो यहाँ पे वेटर बोल रहा है चिल्ली पटेटो कैसे देख रहा है हमें। अरे छोड़ो ना, सुनो कोल्ड ड्रिंक पी लो। मैं तुम्हें अपने हाँ जी सर, कैन आई हेल्प यू? अरे आपके वेटर कैसे देखो कैसे देख रहे हैं, मैंने चिली पटेटो के लिए बुलाया तो आया ही नहीं। डोंट वरी, मैं आपको ऑर्डर दे दूँगी। अरे सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, पूरा गीला कर दिया। गलती हो गई, एक्चुअली मेरा पैर मुड़ गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अरे क्या माफ कर दो, क्या जानबूझ के नहीं किया, कोई बात पूरा गंदा कर दिया यार। क्या कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को ना सुनाना पड़ता है। पूरा वॉशरूम आप चले जाइए। हां अंधा नहीं हूं मैं, वॉशरूम मुझे भी दिख रहा है। पूरा वॉशरूम आप चले जाइए, मैं क्लीन कर देती हूं। डोंट टच मी, मुझे ना क्लीन मत करो। और हाँ, तुम जैसी लड़की मुझे छुए, तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है? वेटर हो तुम, अपनी औकात में रहो, मुझे टच करने के बहाने चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि पानी भी इसीलिए गिरा होगा कि मुझे टच कर सके। और ना अब मैं ना तुम्हारे मैनेजर से तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा। वॉशरूम तो मैं चले जाऊंगा, लेकिन तुम ऐसे करती हो कस्टमर्स के साथ। I'm so sorry, sir. आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए ना, मेरे पैर में ऑलरेडी चोट लगी हुई है और मैं नहीं बैलेंस कर पाई, इसलिए मेरा पैर मुड़ गया था। प्लीज सिनू, कोई बात नहीं, जाने दो, आप जाओ क्लीन करके आ जाओ। तुम बोल रही हो इसलिए जा रहा हूँ, इसके तो पड़ मारता मैं। नहीं कोई नहीं, I'm so sorry, sir. पागल है क्या, तुमको दिखाई नहीं देता, तुम मेरी डेट खराब करती, ऊपर से सॉरी बोल रही है। अगर तुमसे काम नहीं होता ना तो घर बैठा करो, अब जाए यहाँ से, मैं इधर सर में मार दूंगी अभी। सारा भी सारा मूड स्पॉइल करती है। अरे हाँ निकलो यहाँ से, और दोबारा शकल मत दिखाना। कैसे कैसे बदतमीज लोग हैं, कहाँ आ गई मैं भी। चली गई वो पल्लो। हाँ तो मैसे मत बोलो किसी को भी, वैसे भी सारा मूड खराब हो गया और हम बचा हुआ टाइम क्यों खराब करें। सही कह रही हो, वैसे वो क्या लिखा हुआ है कहाँ? अच्छा वो सिंगम। हाँ सिंगम नहीं लिखा हुआ, सिंगम लिखा हुआ है। छोड़ो ना वो जो भी हो, हम ना अपनी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। हाँ हाँ तुम पियो, वैसे भी गर्म हो रही है। हाँ पियो। कैसी है? जैसी होती है, आपको तो पता ही है ना कोको कोला कैसी होती है। नहीं मैं बहुत कम पीता हूँ, इसने पूछा। क्या हुआ तुम्हें, ठीक हो ना? पूरा पी जाना, पूरा कटक जाओ, तुम्हारी तो फेवरेट है ना। अचानक से मेरा सर क्यों घूमने लगा, आंखों से अंधेरा हो रहा है। आंखों से अंधेरा हो रहा है? हाँ कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें गाड़ी में लेके चलता हूँ और मेरे वाले फ्लैट पे चल लेते हैं। मैं वहाँ पे किसी डॉक्टर को बुला लूंगा और तुम ठीक हो जाओ। नहीं नहीं मुझे ना तुम्हारे फ्लैट पे नहीं जाना, मुझे मेरे घर जाना है, तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो प्लीज। अरे तुम ऐसे अपने घर जा नहीं सकती ना, मेरे नहीं, साथ चलो। मैं चली जाऊंगी, तुम मुझे छोड़ दो। मैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, मेरा फोन रख। लड़का कितना रिच है, मैंने कोल्ड ड्रिंक चेंज कर दी, मुझे वो भी पता चल गया। कुछ करना पड़ेगा वरना उस लड़की की जान खतरे में, पता नहीं उसके साथ क्या करना चाहता है। एक काम करते हो, सर को बताते जाते हो। तो अरे अंकिता सर, क्या हो गया, तुम इतना घबराई हो क्यों? हमारे रेस्टोरेंट में जो दो कपल्स आए थे ना, मुझे उस लड़के के इंटेंशन बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। वो लड़का बहुत बुरा है, उस लड़के ने ना लड़की के ड्रिंक में कुछ मिलाया है और मुझे ना, हाँ मुझे ना उसके खतरा लग रहा है। ऐसा कुछ करिए वरना उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। तुम सही तो बोल रहे हो ना। हाँ मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने एक बार कोल्ड ड्रिंक चेंज भी कर दी वरना वो बहुत चालाक है। अच्छा तो तुम एक काम करो, मैं उसको देखता हूँ, तुम इतने पुलिस को बुलाओ। हाँ ठीक है जल्दी। वो किस साइड निकले हो? उस तरफ। अच्छा ये वही है क्या? हाँ। चलो ठीक है, तुम इतने पुलिस को बुलाओ, मैं देखता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, ठीक हो ना? एक्सक्यूज मी सर, सर वो आप रेस्टोरेंट से ऐसे कैसे चले हैं? अबे तू कौन है? आप जिस रेस्टोरेंट में भी बैठे थे ना सर, मैं उसी का ही ओनर हूँ। तो हमने बिल पे कर तो दिया। अच्छा टिप नहीं दिया इसीलिए? सर वो टिप नहीं चाहिए। ये पकड़ 4,000 रुपए। सर टिप नहीं चाहिए, आप सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ सर? मैडम की, मैंने सुना वहाँ मैडम की तबीयत खराब हो गई एकदम कोल्ड ड्रिंक पीते हुए। ये थोड़ी चक्कर आ गए थे इनको।
तो सर एक काम करता हूँ, यहीं पे ही पास में मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं उसको बुला लेता हूँ, 2 मिनट लगेगी, मैडम को चेकअप कर लेंगे वो। तो उससे किसी ने बोला ही करने के लिए, बेफालतू में ना हिमायती मत बन। और हाँ, ये ना मेरी गर्लफ्रेंड है तो इसे मैं ही ठीक करवाऊंगा, और यहाँ पे आके ना सिंपथी मत दिखा, चल निकल अपना काम कर। सर आपकी गर्लफ्रेंड है पता है मुझे, वो सब तो मैं नहीं बोल रहा, मैडम की तबीयत हमारे रेस्टोरेंट में खराब हुई थी ना, तो फिर सर इतना तो हमारा फर्ज बनता है कि मैडम को थोड़ा चेकअप करवाने के लिए। कोई फर्ज नहीं बनता, मेरी गर्लफ्रेंड है ना, मैं चेक करवा दूंगा। और तू कहना क्या चाहता है कि मैं गरीब हूँ फकीर हूँ जो मैं तुम जैसों की मदद लूंगा अपनी गर्लफ्रेंड? गरीब हो गए यार, तुम्हारे पास इतने पैसे है अभी दिखाए तुमने। तो भाई तू क्यों सिंपथी गेन कर रहा है यहाँ पे आके? बोला ना मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं ठीक कर लूंगा, और तुम जैसे लोगों ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड पे तेरी नजर होगी गंदी, इसीलिए तू यहाँ पे आके इससे ठीक करवाने की बात कर रहा है। चलो कैसे? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मुझे क्यों आपकी गर्लफ्रेंड में इंटरेस्ट होगा, मैं तो सर इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ, कल को सर हमारे रेस्टोरेंट का नाम बदनाम हो जाएगा कि मैडम की तबीयत खराब होगी हमारे रेस्टोरेंट में कोल्ड ड्रिंक पी के, इसलिए बोल रहा हूँ सर मैं। तू जैसे मैनेजर होंगे ना तो नाम बदनाम तो वैसे भी हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं है सर, मैं तुम जैसे लोगों को जानता हूँ, मेरा खुद का ही रेस्टोरेंट है सर वो। ओनर ऐसे हैं, निकल यहाँ से, आ जाओ छोड़। अंकिता को फोन मिलाता हूँ अभी, उसने पुलिस वालों को किया नहीं किया फोन? अरे यार ये अंकिता क्यों नहीं फोन उठा रही, लगता मुझे ही जाना पड़ेगा इनके पीछे पीछे। कुछ नहीं हुआ, अरे यार कैसे रोकूं इनको, कोई तो ये बोतल घुसा देता हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, इतने में पुलिस भी आ जाएगी। ये बोतल फंसा देता हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो नहीं है, अपने आप को ओनर बता रहा था। मैं ओनर ही हूं मैं, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया उस लड़की के साथ। अबे मैं कुछ भी करूं वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तू कौन होता है बोलने वाला? और ये मेरी गाड़ी में बोतल, मेरी गाड़ी खराब हो जाती तो पता है कितनी महंगी गाड़ी है ये? बोतल मैंने ही लगाई थी जान करके ताकि तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट ना हो। मेरी गाड़ी स्टार्ट ना हो, किस जन्म की दुश्मनी निभा रहे तुम मुझसे? अबे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को लेके होटल जा रहा हूँ, तो तू ना बीच में मत आ, ठीक है ना? मेरे भाई जो तू वहाँ पे ड्रग्स मिला रहा था ना इंजेक्शन से कोल्ड ड्रिंक में, वो सब ना रिकॉर्ड हो चुका है, और पुलिस वाले को भी ना मैंने फोन कर दिया है। 2 मिनट रुक, तेरी सारी गर्मी निकलवाता हूँ अभी बाहर। रिकॉर्ड हो चुका है? हाँ। क्या हुआ? झटका लगा कि आपकी पोल पट्टी सबके सामने नीट एंड क्लीन चिट आ गई? तो वही हो ना जो वहाँ पे वेटर, या मैं वेटर ही हूँ, और हाँ आपके ऊपर जो पानी गिरा था ना वो भी मैंने जानबूझ के गिरा, पर मानना पड़ेगा कितने प्ले माइंडेड हो ना, तो मैं तुरंत पता चल गया कि कोल्ड ड्रिंक मैंने एक्सचेंज कर दिया, फिर वहाँ पे भी तुमने माइंड डाइवर्ट करके अपनी गर्लफ्रेंड का दोबारा एक्सचेंज कर दी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और सही टाइम रहते सर भी मुझे नजर आ गए। देखो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसको होटल ले जाने के लिए ये सब किया है, थोड़ा सा नशे में हो जाएगी इससे। बातें छुपाते हो, लड़कियाँ होती इसलिए
जो हम उसे यूज कर सके। और वैसे भी मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता। बस ऐसा वो मेरे लिए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अंकिता, वो तो तुमने बोला मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ। वो तो मैंने जब रास्ते में उसको चेकअप के लिए बोला तो तब जाके मुझे कंफर्म हुआ कि हाँ कुछ तो दाल में काला है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये ऐसी हरकत करेगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वो तो चेकअप के लिए बोलने के बावजूद चेकअप नहीं करवा रहा, तभी मुझे पूरा कंफर्म हो गया था कि कुछ तो दाल में काला है। तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम दोनों ये सब पैसों के लिए कर रहे हो ना, सारे प्रूफ्स मिटा दो और मेरे पास जितने पैसे हैं ये सारे पैसे रख लो। इन पैसों से ना जाके अपनी बहन को खरीद लियो, समझ भाई। और लड़कियां अगर तेरे यूज के लिए होती ना तो तेरे घर में तेरी बहन भी है और तेरी माँ भी है, उन्हें यूज करना, उनके पास भी तो। शट अप, तुझे तो मैं बताता हूँ। अंकिता तुम एक काम करो, उस लड़की को बाहर लेकर आओ। हाँ। होश में लाओ उसको, पानी मारो उसके मुंह पे। और तुझे तो मैं लेके चलूंगा भी थाने में, फिर बताता हूँ। सारी रिकॉर्डिंग है मेरे फोन में, देखता था तू। एक काम करो अंकिता, उसको जल्दी बाहर निकालो और उसको होश में लाओ। तुझे तो थाने ले जाके मैं बताता हूँ। अंकिता इसके बॉयफ्रेंड की करतूत, मैम इसके बॉयफ्रेंड की करतूत तुम बताओगे या मैं बताऊं? आपका बॉयफ्रेंड है नहीं? क्या हुआ? मत सुनो इनकी, झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं हाँ, वरना आप खुद ही। अरे मैडम आप ठीक हो ना? हाँ सर मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ना आपकी कोल्ड ड्रिंक में ना इन्होंने आपके बॉयफ्रेंड ने ड्रग्स मिला रखा था। हाँ जी, आप खुद ही सोचिए, अच्छी खासी थी, आपको अचानक से चक्कर क्या, वो भी कोल्ड ड्रिंक पीते। हाँ तो तुम सही रही हो, ये सब सच बोल रहे हैं क्या? देखो इसके चेहरे सब और बेशर्मों की तरह मेरे सामने खड़ा है। शर्म आती है तुझे जरा भी? क्यों किया तूने ये सब? सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए? हाँ अरे मैं तो तुझसे इतना प्यार करती थी, अगर तू एक बार बोलता ना तो मैं तुझे अपनी जान भी दे देती। लेकिन तूने इतनी गिरी हुई हरकत की, मुझे पता नहीं था तू इतना नीच इंसान है। अरे मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए? तेरे लिए अपना घर परिवार पापा सब कुछ छोड़ दिया और तेरे साथ रहने लगी। क्यों? तेरी खुशी के लिए। तू चाहता था मैं तेरे साथ रहूं हमेशा, फिर भी तूने इतनी गिरी हुई हरकत की। ये कोई मैंने गिरी हुई हरकत नहीं की, और हाँ मैं कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करता। अरे मैं तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। सुन लो अपने बॉयफ्रेंड की। जब तेरी गर्लफ्रेंड है तो फिर मेरे साथ क्या कर रहा था? तुझे टाइम पास ही करना था तो मुझे बोल देता ना, किसी की फीलिंग्स के साथ क्यों खेल रहा तूने? क्या मिल गया तुझे ये सब करके? हाँ अरे मैं तुम्हें बोल देता तो मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर ही नहीं पाता ना। और हाँ माना कि मैंने जो किया वो गलत किया, अगर ये दोनों नहीं आते ना तो आज मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाता। ओह अब ना तेरा प्लान जेल में जाके सक्सेस होगा, जब तेरे पे चार्जेस फाइल होंगे ना कि एक लड़की को मॉलेस्ट करना और एक लड़की को अनजाने में ड्रग्स देने के जुर्म में। जब तू तो अंदर जाएगा ना तेरी जवानी तो क्या, बुढ़ापा भी जेल में ही जाएगा। दो कोड़ी की वेटर, तुम दोनों को शायद पता ही नहीं है मेरे चाचा MLA है, MLA प्रताप सिंह। 2 दिन में छूट जाऊंगा, तुम्हें जेल ले जाना है, मुझे लेके चल लो। 2 दिन में तुम्हारे कैफे में आके ना बर्गर खाऊंगा, देख लेना अपनी आंखें खोल के। अबे वो तेरे चाचा ताऊ ना जेब में रखता हूँ। और हाँ अंकिता वो तो शुगर है, आज तुमने बता दिया, इस लड़की की जान बच गई, वरना पता नहीं इस लड़की के साथ क्या होता। सर ये शायद भूल रहे, इसका चाचा हो चाहे इसका बाप हो, MLA आम जनता की वजह से ही बनता है। और जब तेरी करतूतें लोगों के सामने आएंगी ना और सोशल मीडिया पे जब डलेंगी, तब तेरे चाचा जो MLA बनने वाले भी होंगे ना, कुर्सी उनके हाथ से छीनी जाएगी और जिनकी धौस दिखा रहे ना वो धरी की धरी रह जाएगी। समझ में? मेरी धौस धरी रहे या ना रहे, लेकिन तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा थाने से आने के बाद, क्योंकि तेरी वजह से आज ये मेरा राज खुला है। और हाँ अब ना तू जब तू सब जान चुकी है ना, मेरी लाइफ से निकल जा, मेरी लाइफ से बहुत दूर चली जा। तुझे क्या लगता है मैं अभी भी तेरी लाइफ में रहूंगी? निकल यहाँ से, और जब बिगाड़ना है ना मेरा बिगाड़ लियो। अंकिता तुम एक काम करो, तुम इतने मेरी गाड़ी निकालो, उसको तो पुलिस स्टेशन में ही लेके जाता हूँ। डोंट वरी मैम, अब आपको इस चल्लाद से डरने की जरूरत नहीं, अब आप सेफ है।